फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जाना था यूज़ टू के बारे में। यूज़ टू के अलग अलग यूजेस करे थे हमने और ये देखा था कि बेसिकली यूज़ टू पास्ट की हैबिट को बताने के काम करता है। हमने यूज़ टू के साथ बी, यूज़ टू के साथ हैव और यूज़ टू के साथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म यूज़ करा था और पास्ट की हैबिट के सेंटेंसेस देखे थे। उस टाइम मैंने आपको ये बोला था कि मैं अगली वीडियो भी यूज़ टू पर ही बनाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि पिछली वाली वीडियो में हमने सिर्फ सेंटेंसेस देखे थे, बट आज वाली वीडियो में हम करने वाले हैं इसका एक पूरा टॉपिक, एक पूरा बड़ा सा एक पैसेज बनाएंगे जिसमें यूज़ टू बार बार रिपीटेड होगा और रिपीटेड यूजेस से हम जानेंगे कि किस तरीके से हम एक टॉपिक, एक पैसेज, एक पैराग्राफ फॉर्मेशन कर सकते हैं यूज़ टू की मदद से। थंबनेल में आप जान चुके होंगे जो आज का टॉपिक होने वाला है वो मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज विकास कुमार रोहतगी एंड आई एम बैक अगेन विद एन अनदर अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन फॉर यू। अपनी पिछली वीडियो में हमने पास्ट के तीन यूजेस करे थे, यूज टू बी, यूज टू हैव और यूज टू के साथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। तो मैं बता दूं कि यही सारे यूजेस आज भी हम करने वाले हैं। एक जो चौथा यूज था हमारा पिछली वाली वीडियो में वो तो प्रेजेंट का यूज था और उसका आज कोई यूज नहीं होने वाला। देखिए, यूज टू का एक जुड़वा भाई भी होता है इंग्लिश में और वो होता है वुड। वुड को हम यूज टू के बदले में यूज कर सकते हैं, बट क्या सारे यूजर्स में ही आ जाएगा? देखिए, जब यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि यूज टू प्ले, यूज टू गो, एग्जाम्पल से समझते हैं, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो हम ये भी बोल सकते हैं आई वुड प्ले क्रिकेट। तो ये पास्ट की हैबिट ही बताता है कि मैं क्रिकेट खेलता था। बट इस वुड को हम अगले दो यूजेस में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हम यूज़ टू बी करते हैं तो हम वुड बी नहीं कर सकते, हम यूज़ टू हैव करते हैं तो हम वुड हैव नहीं करते। इसकी कुछ सेंस अलग हो जाती है। तो वुड हम कब यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ उस यूज़ में जब यूज़ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। अब जब हम कोई पैसेज बनाते हैं उसमें बार बार ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनके लास्ट में या तो ता था, ती थी, ते थे लगा होता है। जैसे कि मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, मैं अपने दोस्तों के साथ मैदान में जाता था, वहाँ पे पूरे पूरे दिन हम क्रिकेट खेलते थे। तो देखिए, यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस में या तो ता था या ते थे आया है, ठीक है? तो ये सब पास्ट की हैबिट के सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ टू भी लगा सकते हैं और वुड भी लगा सकते हैं। अच्छा ये होता है कि हम पहला सेंटेंस जो है यूज़ टू को यूज़ करके बनाएं और बाद वाले सेंटेंसेस में वुड लगाएं। लिटरेचर की काफ़ी सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें आप देखोगे इंग्लिश में कभी नोटिस करके देखना कि वुड वाले सेंटेंसेस होते हैं पास्ट की हैबिट के लिए। एक मॉडल है और उसके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, जबकि यूज़ टू का एक लिमिटेड यूज़ है। इसलिए हम इस वीडियो में क्या करने वाले, हम यूज़ टू के बारे में ही फोकस करेंगे और यूज़ टू से ही सारा का सारा पैसेज बनाएंगे। हम दूसरे या तीसरे सेंटेंसेस से वुड नहीं लगाने लग जाएंगे, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ओके, तो हम अपना पूरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके सेंटेंसेस बोलूंगा और आपको पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा जिसमें ज़्यादातर यूज़ इसी का होगा। जब मैं बहुत छोटा था, अपने दादू के साथ क्रिकेट खेलता था, मेरे पास एक प्लास्टिक का बैट हुआ करता था और डेली उनके साथ मैं घर पर ही क्रिकेट खेला करता था। When I was very young, I used to play cricket with my grandfather. I used to have a plastic bat. I used to play cricket with him at my home only. मैं सुबह सुबह स्कूल जाता था और स्कूल जाते वक्त मैं बहुत रोता था। I used to go to school in the morning and while going to school, I used to cry a lot. देखिए, अब जितने भी सेंटेंसेस अभी तक हमने बोले उसमें यूज़ टू का यूज़ किया या नहीं किया, तो ये मेरी पास्ट की हैबिट ही तो है। बट हाँ, देखिए, स्कूल जाते वक्त रोता तो था, बट कुछ दिन बाद सब कुछ सेटल हो गया। और उसके बाद आई यूज़ टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई यूज़ टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई यूज़ टू शेयर माई फूड ऑल्सो विद माई फ्रेंड्स एंड माई टीचर्स। बट या, आई यूज़ टू बी वेरी अफ्रेड ऑफ माई प्रिंसिपल। जस्ट आफ्टर स्कूल आई यूज़ टू रिटर्न होम एंड आई यूज़ टू टर्न ऑन माई टी वी फॉर वॉचिंग कार्टून्स। I used to watch several cartoons and I used to play with my cousins also. Daily I used to play cricket with that plastic bat and a plastic ball on my roof. Now when I came in first class, I got a video game. I got a TV video game in fact. Just after returning from school, I used to start my video game and I used to play so many games with my cousins. We used to play Contra, Super Mario, Olympic, MotoGP and many other games. I used to enjoy a lot. Then after playing video games, I used to change my clothes, I used to take my lunch and then after that I used to do my homework. I used to enjoy my time very much. I never used to go out to play anything because my mom and dad didn't used to give me the permission for doing that. Okay, didn't used to. अब यहाँ पे जब used to के sentences हम affirmative में करते हैं तो used to लगाते हैं, but जब हम negative में करते हैं तो didn't आ जाता है यहाँ पे। और जब did आता है sentence में तो आपको पता है verb की first form लगती है, तो यहाँ पे used ना लग के use लगेगा। So my mom and dad didn't used to give me the permission for going out. I always used to wait for summer vacations.
In my summer vacations, I used to make so many plans for completing my homework in 4-5 days. I used to play a lot during that time. In my 6th or 7th class, my parents started allowing me to go out and play cricket. So I used to go a nearby ground to play cricket early in the morning. We used to go there, we used to occupy the pitch, and then we used to play there till 10 o'clock in the morning. Then I used to return home, I used to take breakfast, and in the noon time I used to play many indoor games also, like carom, chess, ludo, sola parchi dup, raja mantri, chor sipai. You might be knowing those games. And you might also be playing those games with your cousins or brothers or sisters. And in the evening, I used to go out in the street, and when it used to get a little dark, we used to play hide and seek. I always used to ignore my homework, my holiday homework, and I used to complete my holiday homework in last 2-3 days every year. Every evening, I used to watch The Casey's Castle and Mr. Bean on TV with my cousins. We used to enjoy a lot that time. And other than that, every Saturday on Star Gold, we used to watch a Kung Fu movie. That was a really nice time. Friends, my childhood was really amazing. I had a really good time in my childhood. But aisa nahi hai ki ab life boring ho gayi hai. I hope aapko ye chhota sa video lesson samajh aaya hoga. I hope aapko samajh aaya hoga kis tarah se is chote se passage mein maine aapko used to ka use karke bataya hai. ज़्यादातर सेंटेंसेस में मैंने कोशिश करी है कि मैं यूट्यूब का यूज़ करूं ताकि आपको एक बड़ा सा टॉपिक मिल सके. अगर वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक कर देना, डिसलाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में.